अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग YouTube पर सर्च करते हैं इलेक्ट्रिक के बिज़नेस के बारे में कि इलेक्ट्रिक का कारोबार किस तरह का है, पाकिस्तान में महंगा है, सस्ता है, अच्छा है, बुरा है, इलेक्ट्रिक का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह अपना 5 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि इलेक्ट्रिक का काम किस तरह का है, करना चाहिए या नहीं। सबसे अगर पहले बात की जाए तो इलेक्ट्रिक का काम ज़रूर करना चाहिए और यह बहुत ही एक अच्छा और यूनिक और प्रॉफिटेबल काम है। तो आप किसी भी शहर में, गांव में आप इलेक्ट्रिक का काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी हैं थोड़ी सी बातें। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको 6 महीने का, साल का तजर्बा ज़रूर होना चाहिए अगर आपने इलेक्ट्रिक का काम स्टार्ट करना है। तो दूसरे नंबर पर बात की जाए कि इलेक्ट्रिक के काम के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ वो ये है कि इलेक्ट्रिक के काम, जब आपने इलेक्ट्रिक का काम करना है तो आपको रिपेयरिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए। रिपेयरिंग से मुराद ये है कि कोई भी चीज़ आप जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड जो हम शॉप पर सेल करते हैं उनको बनाने का तरीका आना चाहिए, आयरन को रिपेयर करने का तरीका आना चाहिए, छोटे मोटे फॉल्ट जो किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ में आ सकते हैं आप उनके बारे में थोड़ा बहुत इलम रखते हो। तो तीसरे नंबर पर बात की जाए कि इलेक्ट्रिक का काम कितने पैसों में हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक का काम आप 7 से 10 लाख के अंदर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक का काम आप इतनी अमाउंट में आसानी चला सकते हैं। तो चौथे नंबर पर बात की जाए कि इलेक्ट्रिक के कारोबार के लिए सामान जो है वो पाकिस्तान में सारी आइटम्स मिल जाती हैं आपको, तो इसका जवाब है जी, ज़रूर मिलती हैं। जो ये वॉशिंग मशीन का स्पेयर पार्ट है ये आपको गुजरांवाला से मिलेगा। और दूसरे नंबर पर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिक की एसेसरीज़, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, स्विच साकर जो हैं, होल्डर्स वगैरह, वो आपको सरगोधा से मिलेंगे। और बात की जाए ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की, तो ये सामान आपको बआसानी लाहौर से मिल जाएगा। तो उसके बाद मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रिक का जो सामान है, इलेक्ट्रिक शॉप है, आप उसके साथ सेंट्री का भी टच दे सकते हैं और साथ ही आप हार्डवेयर की आइटम को भी मिक्स कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक के साथ साथ आप हार्डवेयर का सामान और ये सेंट्री का सामान, और तीसरे नंबर पर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मीन्स के ओवन आप रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन्स को रख सकते हैं। तो इस तरह जैसे LCD है, TV है, आयरन है, और जूसर मशीन्स वगैरह को आप इस काम में टच कर सकते हैं। तो बाकी इलेक्ट्रिक का काम बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही यूनिक काम है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इलेक्ट्रिक का काम स्टार्ट करना है तो आप बिल्कुल करें, लेकिन उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया फ्रेंड्स।